नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, बताते चलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपना सबसे पहले संबोधन श्रीनगर के अंदर दिया और उसके बाद जम्मू के अंदर भी संबोधन दिया। लेकिन साफ तौर पर बताते चलें कि कश्मीर के अंदर जब वो अपना संबोधन दे रहे थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तीन परिवारों को यहाँ पर निशाना बनाया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर लिया, जम्मू कश्मीर को लूट दिया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को यहां पर आप देखिए किस तरह से रोका गया, उनके विकास को मद्देनजर रखते हुए कोई काम नहीं किया गया। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रख रही है। इस वक्त हमारे साथ भरत सिंह सोलंकी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और सीधा सवाल यही है कि जिस तरह से पीएम आज श्रीनगर के अंदर पहुंचे थे और उन्होंने जो सवाल दागे हैं, कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई बार सरकार में रही है, उन्होंने कहा कि लूटने का काम किया है जम्मू कश्मीर को। देखिए, जम्मू कश्मीर और देश की और दुनिया की जनता अच्छे से जानती है, कांग्रेस पर जो आरोप लगा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री भाजपा वाले, उन्हें ये पक्का पता चल गया कि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा को उखाड़ के फेंक देगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में जम्मू हमारा जो हमने भाजपा के सामने जो चार्जशीट लगाई, उसमें हमने यही सवाल पूछा, जनता ने ये सवाल पूछा कि पिछले 10 सालों में जम्मू ने कश्मीर ने दोनों ने क्या पाया क्या खोया। तो जवाब एक ही मिला, तब कुछ खोया कुछ नहीं पाया। अभी ये चुनाव दूसरी तरफ ले जाने के लोगों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर पूरी तरह से अपनी बात को सामने रख रही है। वो कह रहे हैं कि 10 सालों में तो विकास हुआ है, लंबी लंबी सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, टनल्स बने हैं, हाईवेज बने हैं, रोजगार को लेकर काम किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास सिर्फ दो उद्योगपतियों का है, अदाणी और अंबानी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस देश की संपत्ति हो, इस देश की सभी बातों पर, और जम्मू कश्मीर की जनता यही कहती है, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा पानी, हमारा जमीन और हमारा रिसोर्सेस, हमारी संपत्ति, इसको जानबूझकर कुछ ही लोगों को, चंद लोगों को दिया जाता है। वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होना चाहिए इंक्लूसिव, समाज के सभी वर्ग के लोगों का। आज पीएम ने कहा कि 35 सालों में 3000 दिन तो यहां पर सिर्फ बंद ही रहा, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली तो 8 साल तक बंद ही रहा है, और पिछले 10 सालों में यहां 8 घंटे के लिए भी बंद नहीं हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर ने पिछले 10 साल में जो सहन किया, जो अपॉर्चुनिटी युवाओं को चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो किसानों को चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को चाहिए, वहाँ गेट फूड होता तो जनता अपना नुमाइंदा एमएलए चुन के सरकार बनाती, अपने मसले हल कर पाती। लेकिन ऐसा क्या वजह हुआ कि 2019 में यहाँ एलजी रूल लागू किया गया, स्टेट फूड को खत्म करके इन्होंने पूरा कब्जा जम्मू कश्मीर लगा लिया, रिसोर्सेज संपत्ति उनके लोगों को एक्सप्लोइट करने का काम किया। ये वही लोग हैं जो एक जमाने में अंग्रेज थे, डिवाइड एंड रूल, और रूल करने के बाद वो एक्सप्लोइट करते थे पूरे देश को। इसी तरह भाजपा डिवाइड करती है और इनडायरेक्ट एमएचए के द्वारा एकदम बहुत सारे पावर्स एलजी के पास रख के जम्मू कश्मीर की जनता को और इनके रिपोर्टिंग को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था, उस वक्त सेक्शन 55 उसके अंदर लिखी गई थी, उस वक्त आप लोगों की तरफ से अपोज क्यों नहीं किया गया? हमने इन बातों को, हर बातों के पहलू को हमेशा रखा है, और हमारा इसीलिए कहना है कि हम स्टेटहुड देना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, और ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लाना चाहते हैं। जनता ने देख लिया है, और इसका रास्ता कोई दबाव से या किसी ताकत से, ऑटोक्रेटिक वे से नहीं,
और जैसा हमारे राहुल जी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, शांति, प्रेम, भाईचारा, महावीर बुद्ध, कृष्ण, राम, अशोक, जरथुस्त, मोहम्मद पैगंबर, उन सभी की बातों को जोड़ के हम यहाँ चाहते हैं कि स्टेट फूड आए। लेकिन पीएम तो कह रहे हैं कि स्टेट फूड तो दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही देगी, तो आप लोग क्या मांग रहे हैं? देना हटाने की कोई वजह, वो जो उन्होंने की कि हम डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ नॉर्मलसी लाएंगे, शांति करेंगे, जब प्रधानमंत्री आए डोडा में, उसके बगल में ही आपने देखा कि दो हमारे जवान शहीद हो गए, दो हमारे जवान इंजर्ड हो गए, और उन्होंने अपने पॉलिटिकल भाषण सत्ता पाने के लिए किए, लेकिन एक ही बात, किसी आश्वासन का शब्द उन परिवारों के लिए जो उनको कहना चाहिए था। एक जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की पूरे देश के लोगों की रक्षा और उनको बचाने की, उसके बारे में चर्चा नहीं की। जम्मू में भी आतंकवाद बढ़ा, कश्मीर में भी नॉर्मलसी ला नहीं पाए हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर हुआ करते थे पहले, लेकिन अब नहीं है। अब 370 जाने के बाद पेन उनके हाथ में है, और आप लोगों की सरकार ने वो पत्थर उन लोगों के, उन बच्चों के हाथ में दिया था, उन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उसका जिम्मेदार कौन था? सीधा सीधा तो आप पर आरोप लगाया गया कि आप लोग उसके जिम्मेदार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आजादी के पहले भी डिविजिव थी और आजादी के बाद भी डिविजिव पार्टी है, लड़ाने वाली पार्टी है, कोम कोम को, जाति जाति को, प्रांत प्रांत को, भाषा के साथ उसकी पूरी राजनीति डिविजन की रही है। कांग्रेस ने हमेशा आइडियोलॉजी फिलोसॉफी में हमेशा शांति की बात की है, अमन की बात की है, जोड़ने की बात की है, पत्थर उठाने की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। हमेशा उन्होंने तो वो कहते हैं ना, तलवार और त्रिशूल की बात की है, हम हमेशा शांति की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए राहुल जी जम्मू कश्मीर में पैदल चले, लोगों के साथ चले और लोगों का प्यार पाया। डर गई ये भारतीय जनता पार्टी राहुल जी को, जिस तरह से जम्मू का कश्मीर के लोगों का प्यार मिल रहा है, वो प्यार आने वाले समय में। जानकार तो कह रहे हैं कि अपने आप को यहाँ पर स्टैंड करने की कोशिश तो हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन कितनी उसमें सफलता हासिल होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों पार्टियों को, यानी कि आपको जिस तरह से घेरा है, वो कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ करता था, स्कूल जला करते थे, स्कूल बंद हुआ करते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, 50,000 युवा स्कूल नहीं जा पाता था, पढ़ाई बर्बाद हो गई, अब ऐसा नहीं होता है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को अगर वो समझ पाते तो 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लिए जो नॉर्मलसी लाने की जरूरत थी, युवाओं को रोजगार देने की जरूरत थी, वहां के रिसोर्सेज को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत थी और गुमराह करने के बजाय, तो एलजी को क्यों लगा के रखा? अगर शांति बहाल कर दी, नॉर्मल सी हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों डायरेक्टिव देना पड़ा कि यहाँ चुनाव कराइए, यहाँ एलजी शासन नहीं चलेगा और स्टेट फूड लाइए, लोगों के हाथ में पावर दीजिए, जैसा राजीव जी ने कहा कर किया था, पावर टू द पीपल किया था, उसी लाइन पर वो काम करते। आज क्योंकि उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर पर उनका कब्जा होना चाहिए, रिसोर्सेज पर उनका कब्जा होना चाहिए, अंग्रेजों ने जिस तरह लूटा था, रिसोर्सेज को लूटा था, उसी तरह जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज, और लड़ाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर एक दूसरे के पर्याय है, इंक्लूसिव है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कश्मीर का टूरिज्म और जम्मू की लॉजिस्टिक मिलके काम करते हैं, वैष्णो देवी से लेके यहाँ रघुनाथ मंदिर से लेके आप कश्मीर से लेके लोग जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने के बजाय इनकी बातों डिवाइड करने की है, और डिवाइड करने की बातों को रिजेक्ट किया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मिलके इस बार कांग्रेस विल बी नंबर वन, और कांग्रेस एंड एनसी का अलायंस, नॉन कांग्रेस, नॉन एनसी पार्टियों के साथ जो भी लड़ाई में,
उसमें हम जीतेंगे। तो फिलहाल 8 अक्टूबर को सामने आएगा सोलंकी जी, लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है और अलग अलग मैनिफेस्टो सामने रख दिए, ये तो वही बात हो गई ना कि जब बीएजीडी की तरफ से एक बड़ा गठबंधन किया गया और डीडीसी का चुनाव जीता गया और उसके बाद जब जनता के काम करने की बारी आई तो सब अलग अलग हो गए। 370 को लेकर बार बार पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है, चुप्पी साधी गई है। हमारा स्टैंड पहले से क्लियर है, पार्लियामेंट में भी क्लियर था और हमने पूरा क्लियर किया है। और सवाल है, आपने स्वीकार किया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग है एनसी का, ये बात भाजपा को बताइए। वो हमें ये कहते रहते हैं कि कांग्रेस का एनसी का मैनिफेस्टो एक है। हम एक साथ लड़ रहे हैं तो मैनिफेस्टो तो एक ही हुआ ना, आपने तो अपोज नहीं किया है ना ही समर्थन दिया है, चुप्पी साधी गई है। हमने अपनी क्लैरिटी बार बार हमने बताई है, हमारी पार्टी बड़ी क्लियर कट है क्या? जिस तरह से के बारे में किया गया है, यू कैन गो बैक, क्या बताया गया है 370 को लेकर, क्या स्टैंड रखती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी ने क्लियर कट बताया है कि उसके बारे में हमारी पार्टी ने हमारी वर्किंग कमिटी में भी उसके बाद चर्चा करके रिटर्न में पूरे आपके मीडिया को उसके बारे में अच्छे से बताया। लेकिन क्या बताया गया भारत जी, वो तो नहीं क्लियर कर रहे हैं ना आप लोग, वापसी के लिए बात कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और आप गठबंधन में हैं। हम गठबंधन में हैं पर हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा सरकार बनने के बाद, और जहां हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रहेंगे, जैसा कि हमने 4 मुद्दों पर हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट और फारूक अब्दुल्ला साहब दोनों ने मिल के अनंतनाग में कुछ बातें हमें रखी, उसी तरह आने वाली सरकार कांग्रेस की और एनसी की, जम्मू कश्मीर के हम पावर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ये चुनाव और डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए। आने वाले समय में तो मैनिफेस्टो पर ही काम होगा ना, तो जब वहां पर तालमेल नहीं बनेगा तो फिर गठबंधन किस तरह से चलेगा, कितने समय तक चलेगा? देखिए, हमारा गठबंधन ये नहीं है कि हमें पावर चाहिए, इसलिए हमारा गठबंधन जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई, उनके आने वाले समय, उनके विकास, शांति, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मेन इश्यू है कॉमन मैन के लिए, इसी तरह उल्टी सीधी बातों करके मुख्य मुद्दों से लोगों को गुमराह करने का काम भाजपा के सभी नेता करते हैं। भारत जी, और उसी ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि पावर के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, दौड़ तो कुर्सी की लगी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर कि इस वक्त सीएम कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, और आप कह रहे हैं कि पावर ही नहीं चाहिए, पावर नहीं होगी तो फिर काम कैसे करेंगे? हम जम्मू कश्मीर में बहुमत लाएंगे तो उसमें से चुने हुए नुमाइंदों से मिलके सरकार बनेगी, और वो सरकार लोगों की चुनी हुई होगी, नहीं थोप के जैसे कि बीजेपी में चलता है, ऊपर के आदेश के, मतलब एलजी चलाता है और पूरी मतलब गवर्नमेंट हुकूमत को कोई मिलने तक नहीं जाता। वही तो सवाल था ना भारत जी कि 2019 जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके अंदर लिखा गया था क्लॉज कि सेक्शन 55 जो है वो इंपोज होगी जम्मू कश्मीर के अंदर और एलजी के पास सारी पावर्स चली जाएंगी। किसी भी बात में चर्चा तक नहीं होती, ऑटोक्रेटिक है, वो कैसे चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली दिया, और दूसरी बात, इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बैशाखी से चलने वाली ये भाजपा सरकार इसीलिए डरी डरी इन्होंने चुनाव ठीक से कराने का सोचा, पर ये 4 राज्यों के चुनाव के बाद आप देख लेना जैसे भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे नीचे जा रही है, जम्मू कश्मीर और 4 राज्यों के चुनाव के बाद इनकी स्थिति और कमजोर होके जनता इसको इनको रिजेक्ट कर रही है। भारत जी, पूरे भारत देश जी, में कंटिन्यू करेंगे भारत जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत जी, जिस तरह से पीएम ने अपनी बात रखी, वो कह रहे थे कि जीरो ब्रिज पर काम हुआ, वाई ब्रिज पर काम हुआ, डल झील का काम हुआ, झेलम का काम हुआ, इलेक्ट्रिक बसेस कश्मीर के अंदर दौड़ रही हैं, पोलो व्यू मार्केट वहां पर बनाई गई जिसे अपग्रेड किया गया, अब सड़कों का जाल देखिए किस तरह से बिछ रहा है, हबा कदल के अंदर पुल बनाया गया, तो ये काम तो पहले भी हुआ हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? अब 10 सालों में यहां पर सरकार जब उनकी आई है तो उसके बाद उन्होंने काम किया है, पिछली सरकारों ने क्यों काम नहीं किया, ये बड़ा सवाल उन्होंने दाग दिया।
देखिए, एक तो देश की आजादी में इनका कोई रोल नहीं, इनने न जेल में गए न कोई बलिदान दिया। कांग्रेस ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने त्याग और बलिदान से आजादी में भी काम किया, महात्मा गांधी के अंडर में, नेतृत्व में, और उसके बाद भी इस देश को एक और अखंडित रखने के लिए इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव जी ने बलिदान दिया, और इस देश को जवाहरलाल नेहरू ने जब आजादी मिली उसके बाद धीमे धीमे करके इतना ऊंचा उठाया, डेमोक्रेसी को इतना स्ट्रेंथन किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया, तो ये लोग आज खुले से बात कर सकते हैं, डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे थे कि कौन सी वाली डेमोक्रेसी की बात करती है कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, पीडीपी पार्टी, जहां पर चुनावों के दौरान बायकॉट हुआ करता था। आज पुलवामा की अगर हम बात करते हैं तो 35 साल के बाद डर खौफ नहीं है लोगों के अंदर, बढ़ चढ़कर लोग भाग ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कांग्रेस में जीडीपी का अकेला का काम नहीं किया, इंक्लूसिव ग्रोथ का काम किया, जहां बिलो पॉवर्टी लाइन में जीने वाले लोगों को उठाया, गरीब को मध्यम वर्ग में ले आए और कामकाज रोजगार दिया। इन्होंने तो जुमले किए, 2 करोड़ नौकरियां, किसानों को डबल आए, इन्होंने लोगों के बारे में कुछ नहीं किया। ये तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसमें 30% जितना कमीशन उनके नुमाइंदे, उनके सपोर्टर, उनके आजू बाजू वाले, उनके जानने वाले, और देश की इकोनॉमी को 2 ही लोगों के हाथ में रख के पूरा देश जैसे इकोनॉमिक गिरवी रखा हुआ ऐसी सरकार चलाते हैं। लोगों की सरकार नहीं चलाते। डेवलपमेंट का जो हिस्सा है, प्रॉफिट है, वो जाता है चंद लोगों के हाथ में। न रोजगार मिलता है, न कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, न काम मिलता है, यहाँ के युवा रोजगार होते, बेरोजगार होते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नौकरियों में जो धांधलियां हुआ करती थी उसे खत्म किया गया है। भाजपा ने की वो कर रहे हैं, 5 लाख रोजगार के लिए 15,000 करोड़ रुपया चाहिए। जैसे 15 लाख देंगे हर परिवार को, ऐसा जुमला बैंक में डाला था, ऐसा ही जुमला युवाओं को गुमराह करने के लिए ये भाजपा दे रही है। अब लेकिन युवा जान गए हैं, महिलाएं जान गई हैं, किसान जान गया है, उसको एमएसपी नहीं दे रहे हैं, और किसी भी तरह से समाज के किसी वर्ग के लिए ये सिर्फ काम करते हैं। एलजी, उनके अपने लोग और ये चंद उद्योगपति, उनको जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक गिरवे रखने की बात है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 50,000 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल ही नहीं जा पाए, उन्हें वापस लाया गया। उसके बाद 1500 प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई और 15,000, यहाँ पर ये 15,000 आंकड़ा है, दोबारा से 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं अब स्कूलों के अंदर पहुँच गए हैं, पढ़ रहे हैं। 250 स्कूलों को बनाया गया, पीएम श्री स्कूल के तौर पर उन्हें अपग्रेड किया गया। पॉलिटेक्निक, मेडिकल सेक्टर में यहाँ पर सीट्स को बढ़ाया गया, 1109 सीटें मेडिकल में दी गई, 1500 नर्सिंग में दी गई, 1600 में यहाँ पर पैरामेडिकल को दी गई। देखिए, ये बट बातें करते हैं, इनका बेस कांग्रेस ने बनाया, राइट ऑफ एजुकेशन कांग्रेस ने दिया, पढ़ाई का फ्री एजुकेशन का राइट कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस तो 35 किलो देती थी, हमने तो 11 किलो देने की चावल की भी बात की, हमने एजुकेशन के लिए भी, सभी चीजों के लिए, हेल्थ के लिए भी बात की, और हम तो जो कहते हैं कर देते हैं। पर ये जो बात कर रहे हैं इसमें कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं किया है, ये तो हमारी सरकार इससे बेहतर काम करने वाली है, चाहे हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, नए इंस्टीट्यूशन की बात हो, और उससे ज्यादा महंगाई को रोकने का काम। लेकिन भारत जी, आप तो कह रहे हैं कि पावर तो चाहिए ही नहीं, आपको नहीं लगता है कि पावर के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है? और इस बार जो चुनावों के बाद असेंबली बनकर सामने आएगी, क्या लगता है कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी? देखिए, क्योंकि दावा तो आप लोग कर देंगे, लेकिन उसे पूरा कैसे करेंगे? देखिए, जब स्टेटहुड के बारे में मेन बात आएगी कि ये चुनाव जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है, ये मैंडेट मिलेगा, इससे ये पक्का हो जाएगा कि कांग्रेस और एनसी को
जम्मू कश्मीर की जनता प्यार करती है, आशीर्वाद देती है, और ये आशीर्वाद के बाद तीन राज्यों में तो वो पिट जाने वाले हैं, चार राज्यों में पूरी तरह हारने के बाद नया पॉलिटिकल सिचुएशन शुरू होगा। हम कोई सरकार गिराने की बात नहीं करते हैं एनडीए की केंद्र में, पर वो सरकार बैसाखी पर खड़ी हुई सरकार वोटर्स जो है इनको जान गए हैं, वो इसीलिए उनको रिवर्ट करने पड़ते हैं अपने डिसीजंस को। उस रिवर्ट करते करते ये भी ना हो कि सपोर्ट खींच लिया जाए और सरकार गिर जाए। आने वाली नई चुनी हुई सरकार केंद्र में आएगी तो स्टेटहुड के साथ इन्होंने चाहा होता तो जम्मू कश्मीर के लिए नया कोई पैकेज भी देते जिससे यहाँ के युवा, यहाँ के फार्मर, वो तो कह रहे हैं कि सिनेमाज को भी बंद कर दिया गया कश्मीर के लोगों के लिए जो बनाए गए थे, उसके बाद हाबा कादल, चरारी शरीफ और साथ ही साथ जामा मस्जिद के अंदर भी जिस तरह से मूवीज बना करती थी वो सब बंद हो गया और इन्हीं लोगों की वजह से बंद कर दिया गया। आज लोग यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं, जो विकास हो रहा है दावा कर रहे हैं। देखिए, नया जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, अरे जम्मू कश्मीर तो स्वर्ग माना जाता है और जम्मू और कश्मीर का जो कॉम्बिनेशन है, जम्मू का लॉजिस्टिक, यहाँ वैष्णो देवी, रघुनाथ मंदिर से लेके अमरनाथ भी लोग इतने प्यार से जाते हैं और कश्मीर में पर्यटक पूरे देश और दुनिया भर से आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इतने सालों से तो सिर्फ तीनों पार्टियों ने लूटा है और आगे भी लूटने का काम करेंगी। ये लोग चाहते हैं कि वोट डले ना डले, बस जीतना तो हमने ही था, इस तरह की मानसिकता थी। आज लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। ये भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बदले कॉरपोरेट सेक्टर के बाहर के लोग आ जाए, अदाणी का टूरिज्म हो जाए, अदाणी का माइनिंग हो जाए, अदाणी की इंडस्ट्री हो जाए, लैंड पूरी चली जाए, ये लैंड बाहर के लोगों को दे दे और बाकी के लोगों के लिए कुछ न मिले, वो दे देना चाहते हैं। ठीक है भरत जी, चंद लोगों को। भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी से ही आपने देखा पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे भरत सोलंकी, जो कि पलटवार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो आज बयानबाजी की गई है। लेकिन फिलहाल 8 अक्टूबर का समय आप देखिए किस तरह से हर किसी के जहन में है और हर किसी को इसका इंतजार है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।